जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? रूपा हॉस्टल में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज देखिए, दीपावली का दिन है और यहाँ पर चल रही है मेरी थोड़ी सी छोटी मोटी डेकोरेशन, क्योंकि हम लोग ना दीपावली के दिन ही गांव गए थे, उससे पहले नहीं जा पाए थे। संडे को ही हम लोग गए और हम लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी अपने मतलब इतना काम किया फास्ट, और चारों मिलकर ना लग गए उस दिन तो। और उसका वीडियो वगैरह हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं रहा। और जब हम यहाँ पर ये डेकोरेशन कर रहे थे तो तब जीत बोला, मम्मी आपने आज वीडियो तो बनाया ही नहीं। मैंने कहा हाँ बेटा, ध्यान ही नहीं रहा। तो फिर यहाँ पर देखिए हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं और ये हमारी कुछ इस तरह से रही डेकोरेशन। और जीत के पापा मतलब हम चारों ही ना एक दूसरे की हेल्प में लगे हुए थे। उसके बीच में ना खाना भी बनाना था जो दिन में अमावस पूजती है। और सबसे बड़ा पंगा तो यहाँ हो गया कि दीपावली के पूजन की तैयारी हो गई और मिठाई लाना ही हम लोग भूल गए थे। और ये ऐसा पहली बार ही हुआ, फिर ये तुरंत गए, थोड़ा पास में ही मार्केट था तो वहाँ से ये मिठाई लेके आए। और खाने में मैंने बनाए थे, हमारे यहाँ पराठे बनते हैं मीठे और सूजी का हलवा बनता है। तो देखिए यहाँ पर खाना वगैरह बन गया था और यहाँ पूजन की सब तैयारियाँ मैंने कर दी चौकी वगैरह लगाकर। तो अब हम लोग करेंगे पूजन, और पूजन जो हमें हमारे जो ससुर हैं, पिताजी हैं, उन्हीं से कराएंगे। तो वो मना कर रहे थे कि नहीं तुम लोग करो, उनसे ना बैठा नहीं जाता। तो ये बोल रहे थे नहीं आप ही कर देना, तो ये वो मना करने लगे और इन्होंने पूजन स्टार्ट किया। फिर पता नहीं क्या दिमाग में, बोले ला ठीक है मैं कर देता हूँ। तो वो फिर से पीछे से खड़े हुए और फिर देखिए यहाँ पर ना ये रुक गए। तो फिर पिताजी आए, उन्होंने किया तो उनसे ना बैठा नहीं जाता। इधर इसकी अम्मा जी भी वहाँ बैठी हुई देख रही थी। बस पूजन हो गया, उसके बाद हम लोगों ने की आरती वगैरह। और यहाँ पर हो गया पूजन, और निकुंज ने अनार छोड़कर बता दिया कि पूजन हो गया। और इसकी अम्मा जी यहाँ दीपक में तेल वगैरह करके दीपक लगाने की तैयारी कर रहे थे ये लोग। तो दादी पोते मिलकर इन लोगों ने यहाँ सारे में दिए लगा दिए हैं। और हर जगह हर चीज़ पर ना हमारे यहाँ इस तरह से दीपक रखे जाते हैं, जैसे स्कूटी थी और बाहर नल है, बुग्गी है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, हर चीज़ पर हमारे यहाँ इस तरह से दीपक रखते हैं। और ये इसकी ताई जी का बड़ी वाली का घर है, तो यहाँ पर हम एक दूसरे के यहाँ भी दिए लगाते हैं। तो ये पहले बड़ी ताई जी के यहाँ रख रहे हैं, अब गया ये छोटी ताई जी के यहाँ गेट पर रखने के लिए दिए। और इसके पापा भी वहीं हैं, सब लोग वहाँ पर पटाखे वगैरह भी पटका रहे थे। तो देखिए ट्रैक्टर भी खड़ा है, तो ये हम सबका है, हमारा और हमसे छोटे वाले जो सबसे मतलब हम और हमसे छोटे वाले जेठ जी जो हैं उनका है। तो उस पर भी रख दिया था बच्चों ने। और पिताई का खाना वगैरह हो गया है, जो वो कुछ नहीं, वो शाम को दलिया खाते, उनके लिए दलिया ही बना था। और देखिए घर कितना अच्छा लग रहा है, दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है वाकई में। सब जगह ना इतनी सुंदर रोशनी और बहुत सुंदर त्यौहार लगता है। तो इसका एक फायदा है कि आराम से इस बार जल्दी खा लेंगे खाना। लेकिन भाई तो देखिए खाना हो गया और दीपक सॉरी बच्चों ने पटाखे पटका लिए। मैंने कहा भाई अब खाना खा लीजिए और ठंडा हो जाएगा, तो हम चारों मिलकर अब खा रहे हैं खाना, क्योंकि थोड़ा लेट खाने की भी आदत है। और दोपहर का खाना भी थोड़ा लेट ही खाया था, और 2:30 बज गए थे हम लोगों को। तो आज बहुत भागम भाग रही, पहले वहाँ से 4 बजे चल उठे और 6 बजे वहाँ से निकले और दोपहर तक घर पहुँचे। फिर आके सारा काम फटाफट साफ़ सफाई की, बहुत जल्दी जल्दी इतना काम हुआ, आज तो रेल बन गई थी हमारे काम की। और यहाँ बैठकर हम चारों खा रहे हैं खाना। तो गाइज आइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाइए। ये मेरा सुबह मंडे का वीडियो है, मैं नहा धो के पूजा पाठ कर इन अपने सास ससुर को दे रही थी बायना करवा चौथ ओही का।
तो मैं कच्चा खाना ही पूछती हूँ। कुछ फल थे और पैसे रख दिए थे, तो मैं इस बार ना कपड़े नहीं रखी थी। इसकी अम्मा जी ने मुझे मना कर दिया कि मेरे पास ना धोती वगैरह काफ़ी हो रही है तो कपड़े मत देना, और इसके बाबा जी के पास भी थे, तो मैं दोनों के लिए ना पैसे ही रख दी थी। और ये हो गया है दोपहर, मतलब 3-4 बजे का टाइम है, और इस टाइम मैं बना रही हूँ अपने गोवर्धन भगवान जी, शाम को इनकी पूजा होगी। तो गाइस कमेंट कर कर बताना कि कैसे बने, मुझे इतने अच्छे तो नहीं आते लेकिन मैंने कोशिश की। और देखिए इसमें हमारे जितने भी हमारे सामान होते हैं ना, जैसे गाड़ी की चाबी होती, स्कूटी, बाइक वगैरह वगैरह, रही बच्चों की किताब, कॉपी, लैपटॉप, मतलब जो भी कुछ होता है वो सारा सामान ना हम पूजन में यहाँ रखते हैं। काफ़ी सामान ऐसा होता है जो इसमें रखा जाता है, पूजा की जाती है। और देखिए यहाँ पर ये हो रही है गोवर्धन की पूजा, और गोवर्धन की पूजा में मैंने बनाए थे खीर और पूड़े। हमारे यहाँ खीर पूड़े से ही पूजा होती है ये। पर हम एक दूसरे के, मतलब जैसे तीनों भाई हैं तो एक दूसरे के गोवर्धन पुजवाते हैं, तो पहले बड़े वाले फिर उसके छोटे वाले, और इस बार अब आया हमारा नंबर सबसे लास्ट में हमारे यहाँ पर। तो ये सीरियल वाइज जैसे छोटे बड़े, छोटे बड़े होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ना ये मुंजी होती है, धान होते हैं उसको डालते हैं और जल देते हैं, तो इस तरह से ही हमारे यहाँ पूजन होता है। तो सभी पहले बड़ों ने किया, फिर अब बच्चों का नंबर आ गया, बच्चे कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ, मुझे वीडियो शूट करना था तो मैं यहाँ पर उसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पहले दिन ना मुझे डेकोरेशन का भी ना सारा काम मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। ये डेकोरेशन तो मुझे करनी भी थी, वीडियो की तो थी ही मेरी, लेकिन मुझे यहाँ पर इस तरह से करना भी था और मैं पहले दिन नहीं कर रही थी, बहुत काम था। तो गाइस देखिए खाने में हमारे यहाँ बनते हैं कढ़ी चावल, तो मैंने कढ़ी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी और खीर भी बनाई थी, थोड़ा थोड़ा सारा सामान, और कढ़ी चावल ही खाए जाते हैं मेनली, ये तो सिर्फ एक थोड़ा सामान बना लेते हैं। और देखिए पीछे जो मैं नाल से पटका रही थी ना बागी, मुझे बहुत डर लग रहा था कैसे होगा, लेकिन बहुत ईजी था। और यहाँ पर देखिए निकुल तैयारी कर रहा है, नाल मतलब उसमें बारूद भर रहा है, और इन बच्चों का मन नहीं भरता इतने पटाखे पटका रहे हैं, और बागी इनकी नाल पटकाने की का नंबर। और देखिए यहाँ पर ना हम लोग बैठे हुए थे, तभी हम लोगों ने क्या मतलब पता लगा कि अभी जो गोवर्धन है वो भी सिलाने हैं, तो रात के 10:30 बजे का टाइम है, मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपने गोवर्धन सिलाने के लिए। तो ये घर से के ना बाहर जाके गोबर डाला जाता है, तो मैं वहाँ पर डाल के आ गई हूँ, और अब यहाँ पर मैं जो यहाँ इसके ऊपर से ना थोड़ा सा गोबर इस तरह से ना पानी डाल के इसको एक जैसा कर दूंगी, और इसी पर फिर हम लोग चौक पूरते हैं और उस पर सरसों के तेल का दीपक लगा के काजल निकाली जाती है। तो ये वीडियो है भाई दूज के दिन का, और एक दिन बीच में तो गैप रहा ही है, उस दिन तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और ये देखिए यहाँ पर इसकी बुआ जी ने तिलक कर दिया, और अब आ गई है इसकी छुटकी का नंबर, ताऊजी की जो बेटी है उसका। और अभी इसकी बड़े वाले ताऊजी की बेटी आई नहीं थी, तो वो कुछ टाइम बाद आई, तो ये भी देखिए आ गई है, और यहाँ पर ये भी दोनों बच्चों का तिलक कर देगी। तो देखिए घर के सारे काम हो गए थे, और यहाँ की भाई दूज हो गई है, क्योंकि इनकी बहनें आ गई थी, भाई बच्चों की भी और इनके पापा की भी। और अब मैं जा रही हूँ अपने मैके अपने भाइयों के पास भाई दूज के लिए।
तो गाइज आ गई हूँ मैं के, और यहाँ पर देखिए मैं भी अपने भाई और भाभी का तिलक कर रही हूँ। और वाकई ये पहली बार है भाई की शादी हुई है, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि दोनों का मैं तिलक कर रही हूँ, मन बहुत खुश था। तो मैं यहाँ पर ना तो यहाँ पर मैं लेके आई थी कपड़े भाई और भाभी के लिए। भाई के लिए शर्ट लाई थी और जींस थी, और हम भाभी के लिए लेके आई थी मैं उसकी मनपसंद का सूट जो मैं पहली वीडियो में बताई थी। तो हम लोग बहनों ने ना ऐसे किया, हम तीन बहनें हैं कि एक बार मैं लेके आऊँगी, फिर छोटी लाएगी, फिर उसके बाद दूसरी लाएगी। देखिए इस तरह से ना हम लोगों पर तो कोई जोर नहीं पड़ता, लेकिन इन भाइयों पर काफ़ी जोर पड़ जाता, क्योंकि पूरी सभी को कपड़े देने होते हैं। तो ऐसे ही करके ना एक एक साल करेंगे हम लोग, तो इनके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि कोई भी त्यौहार हो ना, किसी पे ज़्यादा जोर नहीं होना चाहिए, एक मतलब अच्छे से प्यार से हो जाए। तो देखिए ये भाई ने मुझे दे दिया, तो अभी इनके लिए ना कपड़े नहीं खरीदे थे कि अपने लिए कपड़े खरीद लेंगे, तो इसने हमें सूट ही दिए थे। मतलब मुझे सूट दिया, उस पर टावल रख दिए और पैसे, और बच्चों को पैसे दे दिए थे कपड़ों के। तो ये छोटा भाई है, इसका तिलक करें, भगवान करे ये भी अगली भाई दोस्त आने तक इसका भी जोड़ा बन जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं इनसे बोल रही थी कि आओ पैर तो छू लो, तुम्हें तो पैर छूने के लिए भी ना बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये भाभी हमारे पैर छू रही है भैया का नंबर, इसीलिए हम सब लोग ना हंस रहे थे। और अभी छोटी बहन नहीं आई थी, ये काफ़ी लेट आई, तो अभी आ गया इसका नंबर। तो देखिए भाभी ने ना मेरा दिया हुआ सूट पहन लिया है, तो इसको अच्छा लगा। मतलब मेरे सामने बोली थी मुझे अच्छा लगा, बाकी इसको ये जाने इसको अच्छा लगा या नहीं लगा भाई। तो अगर इसको अच्छा लगा तो ये कमेंट कर कर ज़रूर मुझे बताएगी, मैं इसलिए इस वीडियो में बोल रही हूँ। तो हम तब तक हम लोग बना रहे थे खाना, और आज खाने में हम लोगों ने पहले तो इसने दाल चावल और रायता वगैरह बना लिया था। तो नहीं बनाया नहीं था, रायता नहीं बना था, दही थी। तो मैंने कहा क्या बना रही है, तो फिर फरमाइश हुई कि इडली बनाना। तो फिर मैंने कहा रायता कैंसिल करो, जो दही है वो इडली में काम आ जाएगी। तो हम लोगों ने खाने में बनाई थी इडली। और देखिए यहाँ पर हम सूट देख रहे हैं, और तो यहाँ पर हम ये सूट देख रहे थे, और ये मेरी छोटी वाली बहन के हस्बैंड हैं, इनके साथ ना हम मजाक कर रहे थे कि इसको ना पहन के दिखाओ साड़ी को। तो गाइज मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी फ्रेंड्स।